गुजरात के चुनावी दंगल का महाकवरेज। गुजरात चुनाव में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण। क्या गुजरात में फिर से खिलेगा कमल या चलेगा हार्दिक जिग्नेश और अल्पेश का जादू। क्या जीएसटी का नुकसान उठाएगी भाजपा। राहुल के बदले अंदाज से कितने फायदे में है कांग्रेस। क्या है मतदाता का मूड। गुजरात की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे अपनी पैनी नजर। करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। देखिए गुजरात चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम चुनावी महादंगल 2017 सिर्फ INN24 पर। चुनावी महादंगल गुजरात, INN24 न्यूज़ गुजरात अहमदाबाद में दस्तक दे चुका है। जिस तरीके से BSP मायावती जो पूरे दिल्ली सरकार को एक ऐलान कर चुकी है कि 2019 में AVM से इलेक्शन नहीं बल्कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। रही मायावती की अगर मैं बात करूं तो कल राजकोट गुजरात में मायावती की सभा भी है, बहुत बड़ी सभा है और पूरे सभाओं में जिस तरीके से 182 उम्मीदवार उन्होंने गुजरात में उतार के रखा है, पूरे भारत की निगाह आज गुजरात पर मौजूद है क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं नरेंद्र मोदी PM इस गुजरात से। मेरे साथ मायावती BSP के उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र 52 से जावेद कुरैशी मेरे साथ मौजूद है। जावेद जी, चुनावी महादंगल INN24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया जावेद। क्या मोटो है आपका, कांग्रेस भाजपा इतने बड़े बड़े प्रत्याशी आपके सामने मौजूद हैं, क्या मोटो लेके आपने इनके सामने उतरा है। जी कांग्रेस और BJP ने कोई काम किया नहीं है, 20 साल से दोनों मिलकर ही सरकार चला रहे हैं, तो हमारा मोटो यही रहा है, हम काम करना चाहते हैं और जनता के बीच रहकर काम करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चुनावी मैदान पे आप यहाँ पे मौजूद है, मायावती खुद राजकोट कल सभा संबोधित करने वाली हैं, 182 कैंडिडेट उन्होंने उतारा हुआ है, क्या लगता है कितनी हवा है आपकी, कितनी ताकत है मायावती आने के बाद में, कितनी एनर्जी आपको मिलेगी। जी काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी सीट निकाल पाएंगे हम। 1992 में बाबरी मस्जिद के दंगे के बाद UP में बहुत ही ख़राब माहौल था, उस टाइम BJP को हराना नामुमकिन था, लेकिन माननीय काशीराम जी की सूझबूझ से सपा के साथ गठबंधन किया और पूरे यूपी में BJP और कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दिया। मैं वही कहना चाहता हूं कि उस वक्त जो सत्ता बनी 22 साल तक BJP कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा, ऐसा ही माहौल यहाँ पर है और हमारी कामयाबी ज़रूर होगी। यहाँ भी अगर हम आए तो बरसों तक ना BJP आएगी ना कांग्रेस आएगी। आप बोल रहे BJP ने विकास नहीं किया अहमदाबाद में, विकास नहीं किया कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस के तीन चेहरे जो कद्दावर नेता युवा की देखा जाए तो कांग्रेस ने उनको लिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को झोंकी हुई है, और आपका क्या मोटो रहेगा। विधानसभा क्षेत्र 52 की अगर मैं बात करूँ तो क्या वर्क किया अभी तक आपने पिछले 5 वर्षों में। हम देखते हैं दलित मुस्लिम के एरिया में कोई विकास नहीं है, विकास होता है तो दूसरे एरिया में विकास होता है लेकिन हमारे एरिया में कोई विकास नहीं है। हमारे एरिया के आप रोड देखिए, जब इलेक्शन आता है जब सिर्फ रोड बनते हैं, हर 20 महीने में एक इलेक्शन आता है, चाहे लोकसभा चाहे कॉरपोरेशन चाहे विधानसभा, हर इलेक्शन में सिर्फ रोड बनने के अलावा कोई काम नहीं होता, तो पैसा जाता कहाँ है,
हमारे एमएलए को भी इतना ही पैसा मिलता है, वो एमएलए को भी इतना ही पैसा मिलता है, हमारे कॉरपोरेटर को भी इतनी ही ग्रांट मिलती है, तो फिर पैसा कहाँ जाता है। दूसरा, जीएसटी की वजह से, जीएसटी के हिसाब से काफ़ी दिनों से परेशान चल रही जनता, काफ़ी लोग 182 लोग मर चुके हैं उस पर भी। आवाज़ क्यों नहीं उठा रही मायावती, आवाज़ क्यों नहीं उठाती उस चीज़ की? आवाज़ मायावती जी उठा रहे हैं हर मुद्दे, अभी बरोड़ा में भी आए, उन्होंने दलित मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाई, काफ़ी सामान्यता, मतलब ऐसा दलित मुस्लिम ही नहीं, हर सब हमारा बसपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, ये तो नरेंद्र मोदी नारे लगा रहे हैं उसका, यानी नरेंद्र मोदी के साथ आप मिलकर नारे, कोई सामानता नहीं है हमारे हमारे पक्ष में, कोई सामानता नहीं है, सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। एक तरफ मायावती कहती है अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन पर नहीं आती है, काम सही से नहीं करती है, तो मैं बुद्धिस्ट अपना लूँगी। जी हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या लगता है आप जिस तरीके से यहाँ पे विधानसभा भवन पर उतरे, कितने वोट से, कितने अपने हौसले अफजाई करने के लिए कितने वोट से आप आगे बढ़ सकते हैं? देखो, हम तो जीतने की आशा रखते हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। एक पार्टी है जय भीम जय मीम के नारे लगाती है, मीम और भीम एक साथ होते हैं, लेकिन जब बाद में अगर रात में बात की जाए पूरी पार्टियों की तो सब एक हो जाते हैं, क्यों? लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, जय भीम और जय मीम दोनों एक साथ में रहेगा। ये थे जावेद कुरैशी, अहमदाबाद विधानसभा क्षेत्र 52 से, जो बात कर रहे थे जय मीम जय भीम के नारे लगा रहे थे, और उसके बाद बात कर रहे थे मायावती जिस तरीके से दलितों को लेकर चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली बयान दिया है विधान लोकसभा अगर 2019 की अगर मैं बात करूं, तो बात कहा है 2019 में नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है और कहा है अगर ईवीएम की मशीन से वोटर्स हो तो मैं वोट नहीं होने दूंगी। कैमरामैन राहुल के साथ आयरन 24 न्यूज़ अहमदाबाद।